हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फ्रॉम माय डायरीज में। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको हमारे चैनल की एक छोटी सी जर्नी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो गोल था, हमारा क्या एक्चुअली हर एक न्यू यूट्यूबर का गोल रहता है कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स कम्प्लीट करने का। तो हमारे भी चैनल का ये जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब की तरफ से, रिसेंटली हमने मीट किया है और हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करूँ इस वीडियो के थ्रू। तो हमारे चैनल बहुत पहले ही हमने स्टार्ट किया था, मेरी वाइफ ने इस चैनल को स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि उसको बहुत शौक था ऐसे वीडियोज़ बनाने का, उसको शौक है वीडियोज़ बनाने का, DIY का और ब्लॉग्स का। तो उसने सोचा कि चलो खुद का एक चैनल स्टार्ट करते हैं और उस पर काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में उसने कुकिंग का वीडियोस डाला और भी रंगोली का डाला और बॉक्स अनबॉक्सिंग का वीडियोस डाला, और उसके बाद फिर शी वॉज एक्सपेक्टिंग बेबी, तो वीडियो फिर हमारी चैनल की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और वो अपने होम टाउन चली गई डिलीवरी के लिए। तो अब जब वापस आई हैदराबाद, तो हमने डिसाइड किया कि चलो फिर से हम लोग चालू करते हैं काम, इस पर डबल मेहनत से काम करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है जल्द से जल्द जो है इस पर मोनेटाइजेशन हम लोग ऑन करवाएंगे मेहनत करके। तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी वाइफ जो है कैसे वीडियो बनाती थी। स्टार्टिंग में वो ये जो सेल्फ स्टिक देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही पुराना है ये, वो उसी से ये जो है किसी भी तरह इसमें एडजस्ट करके मोबाइल वीडियो बनाती थी। किचन में वो खुद से जो अगर कुछ भी कुकिंग का आइटम बना रही, कुछ भी डिश बना रही है, तो इसी से वो किसी तरह जो है उसमें एडजस्ट करके किचन में डब्बे लगा के या किसी भी तरह एडजस्ट करके पूरा वीडियो जो है उसने खुद से शूट किया, इस तरह शूट किया। और ताकि जब अब हमारी जो हमारा टारगेट था वो कम्प्लीट हो गया, तो क्यों ना हम लोग भी एक प्रोफेशनल ये रिंग लाइट और स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड ले लें। और हमने उसके साथ में ये भी खरीदा, ये है माइक। वीडियो में मैं इन दोनों आइटम्स का, माइक और ये है ट्राइपॉड स्टैंड, इन दोनों का अनबॉक्सिंग करूंगा और आप सबको इसके क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इससे ही माइक से स्टार्ट करते हैं। अमेजन से ऑर्डर किया था हमने, ये 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्वारंटाइन पीरियड में छोड़ दिया था कि आराम से ये 2-3 दिन तक आइसोलेट रहेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से सैनिटाइज करके तब आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सुनवाने और टेप इन्होंने बहुत ही मोटा चिपका के रखा है इसमें, इसको काटने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, ये हमने ख़रीदा है बोया कंपनी का माइक। इसका रिव्यू मैंने देखा था पहले, इसका रिव्यू अच्छा आया था, लोग बोल रहे थे कॉम्पैटिबल में, ये भी देखना था कि मेरे मोबाइल के साथ कॉम्पैटिबल रहेगा कि नहीं। पैकिंग इन्होंने की है छोटे से पाउच में, पाउच भी बहुत अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। छोटे से पाउच में इन्होंने ये माइक रख के भेजा है। ये देखिए, ये माइक का है, ये बटन है इसका स्मार्टफोन और कैमरे के लिए, DSLR कैमरा हो या फिर स्मार्टफोन हो उसके लिए अलग से बटन या स्विच करने के लिए। ये तो पिन है यहाँ पे आराम से लगाने के लिए, और सबसे खास बात है कि इसका वायर बहुत ही लंबा है, आप आराम से इसको कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसके ईयरबड्स हैं और ये 3.5 mm का जैक है जो कि मोबाइल में लगाने के लिए। और क्या है डब्बे में, ये है इनका यूजर गाइड और ये है वारंटी कार्ड जो है इन्होंने दो, एक 3.5 mm का जैक जो है इनबिल्ट है और साथ में अलग से एक्स्ट्रा जैक दिया है कैमरे में लगाने के लिए, DSLR कैमरा ये सब में लगाने के लिए, और अगर और भी कोई डिवाइस है तो आराम से इसमें फिट करने के लिए। इसमें इसके फीचर्स क्या क्या, मैं इसके फीचर्स आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLR कैम कॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एक्सेट्रा।
ये स्मार्टफोन्स के लिए भी है, DSLRs के लिए भी है, कैमकॉर्डर्स के लिए भी है, PC के लिए भी है और ऑडियो रिकॉर्डर्स के लिए भी है। हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइज, इसमें नॉइज जो रहेगा, जो डिस्टर्बेंस रहेगा बहुत कम रहेगा। और इसमें LR4 बैटरीज भी इंक्लूडेड है जो इसी में लगी रहती है बैटरी, फोम विंड स्क्रीन और एडाप्टर इसी में। तो अभी आपने देखा माइक के बारे में, अब चलिए अब हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे ये स्टैंड का। इसमें ट्राइपॉड स्टैंड और रिंग लाइट दोनों हैं। तो इसको साइड कर दिया जाए। ये थोड़ा हैवी है, ये है स्टैंड जिसको भी मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। और बस ये दो ही आइटम है इस डिब्बे में। ये है ओसाका कंपनी का रिंग लाइट। ओसाका जो है जैपनीज कंपनी है और इन्होंने इंडिया में सोनी फोटोज़ के साथ जो है टाई अप करके ये अमेज़न पे जो है इसको सेल करते हैं। देखिए मेड इन इंडिया का इस पर बोर्ड भी लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया लेने के लिए, क्योंकि ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। आइए पहले मैं आपको रिंग लाइट जो है ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 10 इंच का रिंग लाइट है। और ये है ट्राइपॉड स्टैंड। ये स्टैंड जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, बहुत ही हैवी है। ये पूरा ऑलमोस्ट आपको 7 to 8 feet तक मिनिमम जाएगा सेटअप होने के बाद। ये स्टैंड का देख रहे हैं आप बिल्ट इन जो क्वालिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर आराम से मोबाइल फ़ोन तो खैर आएगा ही आएगा, और DSLR कैमरा अगर भारी है, हैवी है, ये स्टैंड उसका भी आराम से वेट कैरी कर सकता है। अच्छा सॉरी, इस पे सोनिया फोटो लिखा है, मैंने उसमें आपको सोनी फोटो बोला था। ये सोनिया फोटोज करके कंपनी है, उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में ये अमेज़न पे जो है ये लोग इसको सेल कर रहा है। ये देखिए ये अपना बहुत ही हैवी है, ये देख रहे हैं, ये एकदम प्रोफेशनल स्टैंड है। तो यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ बेड पे, थोड़ा सेट करके ताकि आराम से। मैं इसका हाइट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 to 8 feet तक जाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो इसका हाइट है। ये प्योर प्रोफेशनल, इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये प्योर प्रोफेशनल स्टैंड लग रहा है। ये मेकअप आर्टिस्ट लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है बेड पे चढ़ना पड़ेगा इसको और ऊपर तक खोल के दिखाने के लिए आपको। ये देखिए ये इतना ऊंचा जा रहा है, ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। मैं ऑलमोस्ट 5'7" हूँ और ये अंदाज़ा लगा लीजिए कितना जा रहा है। मेरे ख्याल से ये 9 to 10 feet तक जाएगा। चलिए मैं इसको हाइट इसका कम कर देता हूँ।
इसको नीचे उतार कर रख देता हूँ मैं, ये भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा इतना हाइट सफिशियंट है अपने लिए। ये एक स्टैंडर्ड हाइट है जिस पे हम लोग आराम से सेटअप करके वीडियो रिकॉर्डिंग किया। बहुत ही मेहनत के बाद तकरीबन हाफ एन आवर लग गया मेरे को इसको सेट करने को, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि सेट कैसे होता है। इसका यूज़र गाइड पढ़ पढ़ के, इसका यूज़र मैनुअल पढ़ पढ़ के जो है मैंने इसको सेट किया कैसे करना है, और ऑनलाइन भी फिर सर्च किया क्योंकि यूज़र मैनुअल में भी ढंग से नहीं लिखा था। यूट्यूब पे मुझे इसका वीडियो देखना पड़ गया सेट करने के लिए। तो अभी ये सेटअप पूरा रेडी है, इसको मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका हाइट सेट करके रखा है। इसका हाइट तकरीबन 9 फीट तक जाएगा, जो कि 9 फीट की उतनी ज़रूरत है नहीं। और इसका जो पावर कनेक्शन है ये USB वाला है। इसमें आपको अपने मोबाइल का एडाप्टर लगा के इसको आपको पावर देना पड़ेगा, तब ये रिंग लाइट ओपन होगा। ये पावर दिया और पीछे इसका बटन है पावर का, ये देखिए। लाइट क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, और ऐसा भी नहीं कि चेहरे पे एकदम लाइट चुभ रहा है या आंखों पे असर पड़ेगा। लाइट बहुत ही वार्म है इसका। लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, और यहाँ प्लस माइनस का बटन भी पीछे दिया हुआ है लाइट को डिम और नॉर्मल करने के लिए। ये देखिए मैं माइनस प्रेस कर रहा हूँ बटन, तो एकदम डिम हो गया। अब इसको फिर से नॉर्मल मोड में लाने के लिए प्लस पे प्रेस करते रहेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मोबाइल के लिए इसको सेट किया है, तो मोबाइल इसमें आराम से सेट हो जाएगा। इसमें बस ऐसे करके हल्का सा ऊपर पुश कीजिए, ये आपका मोबाइल सेट हो गया यहाँ पे। ये मैंने मोबाइल का सेटिंग करके रखा है, DSLR की सेटिंग अलग है। ये बस जो मोबाइल होल्डर है ये निकल जाएगा। इसको आप आगे भी, ये जो आप टी ब्रैकेट देख रहे हैं मोबाइल ऐसे पीछे लगा है ना, इसको आप आगे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में लगा हुआ है, पिक्चर में देखिए यहाँ दिखा हुआ है, ये मैंने ये आला सेटिंग किया है picture number 3 पीछे। आप इसको आगे से भी कर सकते हैं टी ब्रैकेट को आगे सेट करके, फिर अब मोबाइल आपका आगे आ जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि स्टैंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मेरे को बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और माइक की क्वालिटी भी अच्छी है। और अभी फ़िलहाल मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए, तो आई होप कि साउंड क्वालिटी और अच्छी होगी, बेटर होगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूँगा, स्टैंड का और माइक का। आप ज़रूर जाइएगा साइट पे, विज़िट कीजिएगा अमेज़न पे, और देखिए अगर आपको पसंद आएगा तो आप ख़रीदिएगा। ज़्यादा महंगा नहीं है ये स्टैंड जो है, ये ट्राइपॉड स्टैंड लाइट, ये दोनों मिला के तकरीबन 1750-1800 का है, और ये माइक मेरे को तकरीबन 800-850 का पड़ा है। तो हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो क्योंकि मैंने डील में लिया था, तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते।